जी, तो अभी आप लोगों को मैंने टैक्योमेट्री में डिस्टेंस फार्मूला डेराइव कराया था हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के लिए। अब इस फिगर को एक बार फिर से देखिए और इसमें दोबारा हमको डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस एलिवेशन फार्मूला डेराइव करना है इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट के लिए। इस फिगर को दोबारा देखिए कि ये एक आपकी ग्राउंड लेवल है, जो कि ग्राउंड लेवल आपका हॉरिजॉन्टल नहीं है बल्कि अनड्यूलेटेड है, एलिवेटेड है। जब आप इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट के लिए पढ़ रहे हैं तो वह आपका एलिवेटेड भी हो सकता है और डिप्रेशन में भी हो सकता है। तो यह जो है वो एलिवेटेड लाइन ऑफ साइट है, जिसके लिए आपका पी जो है वो इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, क्यू जो है वो स्टाफ स्टेशन है। अच्छे से समझिए सारे पॉइंट्स को। पी आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, क्यू आपका स्टाफ स्टेशन, ओ जो है वो ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव, एम इज द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस, यहाँ पर आई आपका स्टेडिया इंटरवल, और इन तीन स्टेडिया वायर्स के कॉरेस्पॉन्डिंग तीन स्टाफ रीडिंग ए, सी और बी, जिसको हम क्या कहेंगे, स्टाफ इंटरसेप्ट। क्लियर है? ये आपका स्टेडिया इंटरवल हो गया। स्टेडिया इंटरवल में आपके तीन हेयर्स आ गए, सेंट्रल क्रॉस हेयर, अपर क्रॉस हेयर और लोअर क्रॉस हेयर, और इन तीन क्रॉस हेयर के अगेंस्ट स्टाफ पे तीन रीडिंग, रीडिंग एट द पॉइंट ए, रीडिंग एट पॉइंट सी, रीडिंग एट पॉइंट बी, और इस होल रीडिंग ए बी को हम क्या कहते हैं, एस, यानी कि स्टाफ इंटरसेप्ट। यहाँ तक क्लियर है? यह जो सेंट्रल क्रॉस हेयर से हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के बीच जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसको हम थीटा से डिनोट किए हैं। कहाँ से कहाँ तक? जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो आपका टेलीस्कोप हॉरिजॉन्टल रहेगा तो ये, और अब जब आपका टेलीस्कोप एलिवेटेड हुआ तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से जितना एलिवेशन हुआ है उसको एंगल ऑफ एलिवेशन हम थीटा से रिप्रेजेंट किया है। ये जो बीटा रिप्रेजेंट कर रहा है, बीटा रिप्रेजेंट द एंगल बिटवीन द टू स्टेडिया वायर्स, दो स्टेडिया वायर्स के बीच का इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो एंगल है कितना डिग्री था, 0° 34' something, 22.64 सेकंड, वो बीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो थीटा जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है बिटवीन द सेंट्रल क्रॉस हेयर एंड हॉरिजॉन्टल साइट, हॉरिजॉन्टल प्लेन, और बीटा जो है इट इज़ द एंगल बिटवीन टू स्टेडिया वायर्स जो कि इंस्ट्रूमेंट के अंदर इनबिल्ट होता है। क्लियर है? अभी से स्टाफ के ऊपर ये जो आर है, स्मॉल आर रिप्रेजेंट कर रहा है आपका जो सेंट्रल क्रॉस हेयर रीडिंग से लेकर ग्राउंड लेवल की जो हाइट है उसको आर से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप लोग जितना भी लेवलिंग पढ़ा, तो लेवलिंग में क्या पढ़ते थे, स्टाफ रीडिंग, सेंट्रल क्रॉस हेयर की जो रीडिंग पढ़ते थे वो आपकी स्टाफ रीडिंग होती थी, उसको हम यहाँ पर आर से डिनोट कर रहे हैं। और ये एक इमेजिनरी लाइन है कि अगर आप लाइन ऑफ साइट को हॉरिजॉन्टल कीजिए तो एक इमेजिनरी लाइन है, तो ये जो है ये पूरा वर्टिकल इंटरसेप्ट कहलाएगा या वी कहलाएगा। क्लियर है? आर किसको कहते हैं? आर इज द डिस्टेंस, आर इज द स्टाफ रीडिंग ऑफ द सेंट्रल क्रॉस हेयर, जो कि सेंट्रल क्रॉस हेयर से ग्राउंड लेवल की रीडिंग बता रहा है आर। एस बता रहा है स्टाफ इंटरसेप्ट, यानी कि अपर स्टेडिया वायर्स और लोअर स्टेडिया वायर्स के बीच का रीडिंग, स्टाफ इंटरसेप्ट। और वी जो है ये वर्टिकल इंटरसेप्ट है कि आपका जो एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन की वजह कर कितना आपका वर्टिकल स्टाफ इंटरसेप्ट। इसी लाइन को हम नीचे ड्रॉ किया और उसको हम क्यू डैश नाम दिए, तो यहाँ से लेकर इंस्ट्रूमेंट के सेंट्रल ट्राइपॉड से इसको हम कहेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी, जो कि एक्चुअल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट के फॉर्मूला को डिराइव करने के लिए आप थोड़ी देर के लिए ये मानिए कि ये जो आपका एक्चुअल डी है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट, इसको आप थोड़ी देर के लिए टिल्ट कर दीजिए और आप एक्चुअल हॉरिजॉन्टल जो है, हॉरिजॉन्टल प्लेन आप इसको मानिए, जिसके अंदर एल जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब आपका ये पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट जो है वो टिल्ट कर जाएगा एक पर्टिकुलर एंगल पर, तो आपका जो स्टाफ रीडिंग, स्टाफ इंटरसेप्ट होगा वो ए बी ना होकर ए डैश बी डैश हो जाए, ए डैश सी बी डैश। यानी कि अब हमको एक चीज़ को ध्यान दीजिए कि इस पूरे को जो हॉरिजॉन्टल है इसको हम थोड़ी देर के लिए टिल्ट कर दें, और टिल्ट करने के बाद हमारा जो ए डैश सी बी डैश एक इमेजिनरी लाइन आएगा, उसको हम स्टाफ इंटरसेप्ट माने और ये एल को हम क्या माने, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो अब ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको लिखी गई हैं, इसको आप एक बार देख लीजिए कि पी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, Q स्टाफ स्टेशन, M इज द पोजिशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और वर्टिकल एक्सिस, O इज द ऑप्टिकल सेंटर, S इज द स्टाफ इंटरसेप्ट, I स्टेडिया इंटरवल, A C B स्टाफ पॉइंट्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू थ्री वायर्स, L लेंथ एम सी को, M और C इसको हम जो लेंथ है इसको हम L से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, D जो है वो एम क्यू डैश है, एम क्यू डैश यानी कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, एक्चुअल हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द स्टाफ एंड
से इंस्ट्रूमेंट वी आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट है एट क्यू, यानी कि आपका वर्टिकल रीडिंग, वर्टिकल इंटरसेप्ट, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। एच हो गया आपका हाइट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट जो कि यहाँ पर दिखा रहे हैं हम, ठीक है। आर आपका सेंट्रल हेयर क्रॉस स्टाफ रीडिंग है और बी इज द एंगल बिटवीन द टू स्टेडिया वायर्स। आपको मैंने बताया कि हम एक काम करते हैं, इस पूरे फिगर को थोड़ी देर के लिए ये हॉरिजॉन्टल साइट ना मानकर इस पूरे फिगर को हम थोड़ी देर के लिए जिस एंगल पे उस एंगल पे टिल्ट कर दें और उसको हम हॉरिजॉन्टल फिगर माने, तो उसको आप हॉरिजॉन्टल फिगर मानिएगा तो आपका एंगल ए ए डैश सी जो होगा वो 90 डिग्री प्लस बीटा बाई टू और एंगल बी बी डैश सी 90 डिग्री माइनस बीटा बाई टू। चूंकि बीटा की वैल्यू ऑलरेडी 0 डिग्री 34 मिनट होती है तो बीटा बाई टू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 डिग्री 17 मिनट। तो 90 डिग्री के कंपैरिजन में 0 डिग्री 17 मिनट बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम लोग फॉर बी आसानी के लिए हम इन दोनों एंगल को इक्वल मान लेते हैं कि 90 डिग्री। अब इस ट्राइंगल में आप देखिए, ट्राइंगल ए सी ए डैश में अगर आप देखिएगा तो ट्राइंगल ए सी ए डैश में जो आपका ए डैश सी है, जो आपका ए डैश सी है वो ए डैश सी की वैल्यू होगी ए सी कॉस थीटा, क्योंकि ये कितने डिग्री पे आपने इस पूरे फिगर को इंक्लाइंड किया, थीटा डिग्री पे इंक्लाइंड किया, तो जो आपका ए डैश सी होगा वो ए सी कॉस थीटा। तो जब ए डैश सी ए सी कॉस थीटा होगा तो हम उसी तरह ए डैश बी डैश को भी ए बी कॉस थीटा बोल सकते हैं। सिंपल सा ट्राइगोनोमेट्री है कि अगर हम इस पूरे फिगर को एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे टिल्ट कर दें और उसको हम हॉरिजॉन्टल माने तो ए डैश सी की जो वैल्यू होगी वो ए सी कॉस थीटा होगी। तो जब ए सी कॉस थीटा होगी तो हम ए डैश बी डैश को ए बी कॉस थीटा कह सकते हैं। ये सिंपल सा हमने एक डेरिवेशन किया। तो अब एम सी जो होगा, एम सी इज इक्वल टू, चूंकि आपका जो अभी डिराइव किया था हम हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला वो क्या था, के इंटू स्टाफ रीडिंग प्लस सी, क्योंकि k इंटू स्टाफ इंटरसेप्ट था आपको अभी जो फॉर्मूला डेराइव किया था d इज इक्वल टू वो था k s प्लस c, वेयर k इज द मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट, c इज द एडिटिव कॉन्स्टेंट। तो अगर हम इस सिंपल से फिगर में रखें कि हम l निकालने का, हम अगर l को हॉरिजॉन्टल साइट माने एक पर्टिकुलर एंगल थीटा पे इंक्लाइंड करने के बाद, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हमारा होगा k s प्लस c। इस l के लिए जो स्टाफ इंटरसेप्ट है वो स्टाफ इंटरसेप्ट हमारा है k a डैश b डैश प्लस सी, के ए डैश बी डैश प्लस सी। अब ये जो ए डैश बी डैश की वैल्यू आई है वो ए डैश बी डैश की वैल्यू आई है ए बी कॉस थीटा, तो हमारा एल की वैल्यू हो जाएगी के एस कॉस थीटा प्लस सी। यहाँ तक तो बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। हमने सिंपल ये किया कि इस पूरे फिगर को जो थीटा हमारा जितना डिग्री पे इंक्लाइंड था, हम उस पूरे फिगर को ही, पूरे डायग्राम को हम थीटा डिग्री पे इमेजिन कर लिया कि हमारा टिल्ट कर दिया। जब आपने उसको टिल्ट किया तो आपका ये जो फिगर है एल, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट हो जाएगा। जब ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट होगा तो ए डैश सी की वैल्यू होगी वो ए सी कॉस थीटा, क्योंकि आपने कितने डिग्री पे टिल्ट किया, थीटा डिग्री पे। तो जब ए डैश सी को हम ए सी कॉस थीटा कह सकते हैं तो हम ए डैश बी डैश को ए बी कॉस थीटा भी कह सकते हैं। जब ए बी कॉस थीटा आपने कहा तो अब सिंपल सा फॉर्मूला, चूंकि इससे पहले आपने डिराइव किया है कि डी इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट इंटू स्टाफ इंटरसेप्ट प्लस एडिटिव कॉन्स्टेंट, ये सिंपल सा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फॉर्मूला है। आपने सिंपल उसी फॉर्मूला में क्या किया कि चूंकि यहाँ पर डी की जगह आपका क्या है एल है, एल की के बाद आपका मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट के साथ एल के लिए जो स्टाफ इंटरसेप्ट है वो स्टाफ इंटरसेप्ट ए डैश बी डैश है प्लस सी। अब इस ए डैश बी डैश का आपने फॉर्मूला डिराइव किया कि ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, क्योंकि एक्चुअल रीडिंग तो आपकी ए बी है, तो ए डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला आप याद रख दीजिए कि ए बी की वैल्यू स्टाफ इंटरसेप्ट है तो के इंटू एस इंटू कॉस थीटा प्लस सी। ये सिंपल हमारा किसके लिए फॉर्मूला डिराइव हो चला आया, एल के लिए। अब ये हमारा एल की वैल्यू यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमें मिल गई। अब आप इस सिंपल से राइट एंगल ट्राइंगल में देखिए, इस सिंपल से राइट एंगल ट्राइंगल में आप देखिए ट्राइंगल एम, ट्राइंगल ओ क्यू, इसको हम क्यू डैश या क्यू डबल डैश मान लें, ओ क्यू डैश सी में अगर आप देखिए तो हमारा डी जो होगा ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और वी जो होगा वो वर्टिकल डिस्टेंस। अब चूंकि आपका डी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है तो ट्राइगोनोमेट्री में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में आपका हाइपोटेन्यूज के साथ रिलेशन कॉस थीटा का लगता है और वर्टिकल डिस्टेंस में हाइपोटेन्यूज के साथ रिलेशन साइन थीटा का लगता है। तो हमने सिंपल सा डी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा किया, एल की जो वैल्यू है वो के एस कॉस थीटा प्लस सी हमने इंटर किया
तो हमारा सिंपल सा डी का वैल्यू आ जाएगा, वो आएगा के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा। और हमारा जो वर्टिकल इंटरसेप्ट है, वर्टिकल इंटरसेप्ट हमारा एल साइन थीटा, तो हमारा एल की जो वैल्यू है उसको हमने आपने रखा, और ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया के एस साइन टू थीटा बाई टू प्लस सी साइन थीटा। इसको सिंपल ज्योमेट्री से आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर अगर थीटा है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूस है, तो क्या होगा? आपको मालूम है कि जो बेस होता है ये क्या होता है, हाइपोटेन्यूस इंटू साइन थीटा कॉस थीटा, और आपका जो परपेंडिकुलर है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस इंटू साइन थीटा। तो इसी को चीज़ को हमने सिंपल यहाँ पर लगाया है, तो आपका दो फार्मूला डिराइव होकर आया, एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फार्मूला क्या है, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, और दूसरा है वी इज इक्वल टू वर्टिकल डिस्टेंस फार्मूला, जिसको हम कहते हैं के एस साइन टू थीटा बाई टू प्लस सी साइन थीटा। ये दो डेरिवेशन है। अब इन दो डेरिवेशन में आपका, अगर आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिस इंस्ट्रूमेंट के अंदर आपका एडिटिव कॉन्स्टेंट जो है वो ज़ीरो है, आपका एडिटिव कांस्टेंट यानी कि सी की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, तो ये दोनों फार्मूलाज जो हैं वो रिड्यूस हो जाते हैं सिर्फ पहले टर्म तक। अगर आपका एडिटिव कांस्टेंट ज़ीरो है तो आपका डी की जो वैल्यू होगी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की वैल्यू, वो सिर्फ और सिर्फ के एस कॉस स्क्वायर थीटा होगी, और जो वर्टिकल डिस्टेंस की वैल्यू होगी, फार्मूला होगा, वो सिर्फ और सिर्फ के एस साइन टू थीटा बाई टू होगा। यानी कि अगर हम ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसके अंदर, ऐसा टेक्योमीटर यूज़ करते हैं जिसके अंदर एनालिटिक लेंस लगा हुआ है, तो उस एनालिटिक लेंस के लगे होने की वजह कर एडिटिव कांस्टेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। तो जब एडिटिव कांस्टेंट जीरो हो जाता है तो आपका ये इक्वेशन क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होकर सिर्फ पहले टर्म तक हो जाता है। तो आपका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फार्मूला हो जाता है वो के एस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता है, और जो वर्टिकल फार्मूला हो जाता है वो आपका के एस साइन टू थीटा बाई टू हो जाता है। कब? जब हमारा एडिटिव कांस्टेंट जीरो हो। इस फिगर को एक बार दोबारा से देखिए, और इसके ऊपर अब हम एलिवेशन और डिप्रेशन का दो केस लेकर आपको हम न्यूमेरिकल बताएंगे। देखिए इस फिगर को एक बार, तो आपको अभी दो एलिवेशन, दो फार्मूला मिला। एक फार्मूला मिला आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी का, दूसरा फार्मूला मिला आपको वर्टिकल इंटरसेप्ट वी का। इन दोनों फार्मूलाज की मदद से, यानी कि आप डी इज इक्वल टू क्या था, के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, और वी इज इक्वल टू था के एस साइन टू थीटा बाई टू प्लस सी साइन थीटा। ये दो इक्वेशन आपको मिल गया, किसके लिए, इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट के लिए। अब इस इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट के लिए आपका दो केस हो सकता है, एक हो सकता है केस वन एलिवेशन, दूसरा हो सकता है केस टू डिप्रेशन। अब फॉर एग्जांपल, पहला केस का आपका फिगर ये है कि एलिवेशन का केस है, यानी कि आपका ज़मीन क्या है, वो आपका एलिवेटेड है। तो एलिवेटेड के केस में अगर आपको आरएल ऑफ स्टाफ स्टेशन पता करना है, आरएल ऑफ स्टाफ स्टेशन पता करना है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेट कीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद एक आप बैक साइड के ऊपर, चूँकि जब भी आरएल निकालते हैं, हम लेवलिंग में आपने पढ़ा था कि जब भी आरएल निकालते हैं हम पहले बेंचमार्क के ऊपर एक बैक साइड लेते हैं, और वहाँ से हम आरएल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट सेट कीजिए, और इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद आप अपने थियोडोलाइट को बैक साइड लीजिए, किसके ऊपर, एक परमानेंट बेंचमार्क के ऊपर, और उस परमानेंट बेंचमार्क के रेफरेंस में आप आरएल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता कर लीजिए। आप क्या कर लीजिए, आरएल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता कर लीजिए, और आपको पता क्या करना है, आपका एम है आरएल ऑफ स्टाफ स्टेशन पता करना। तो अब सिंपल सी बात समझिए कि आपको वी जो है ये वर्टिकल इंटरसेप्ट है, कहाँ से, फ्रॉम द सेंट्रल क्रॉस हेयर, और आर जो है वो है आपका क्या, सेंट्रल स्टाफ रीडिंग। तो आप सिंपल सी बात ये समझिए कि आपने किसी परमानेंट बेंचमार्क के ऊपर आपने आरएल ऑफ बेंच हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता कर लिया, किसके रेफरेंस में, किसी परमानेंट बेंचमार्क के रेफरेंस में। तो जब आपने किसी परमानेंट बेंचमार्क के रेफरेंस में आरएल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता कर लिया, तो इस आरएल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में आप वी जोड़िए, वर्टिकल इंटरसेप्ट आप जोड़िए। जैसे ही वर्टिकल इंटरसेप्ट जोड़ेंगे आप कहाँ पहुँचे, सेंट्रल क्रॉस हेयर पर, और वहाँ से सेंट्रल क्रॉस हेयर की रीडिंग यानी कि आर को माइनस कर दीजिए, आप कहाँ पहुँच जाइएगा, आरएल ऑफ स्टाफ स्टेशन पर पहुँच जाइएगा। क्लियर है यहाँ तक? उसी तरह अगर डिप्रेशन का केस है, मान लीजिए कि आपकी ज़मीन क्या है, डिप्रेस्ड है, और आपका ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है, ये आपका स्टाफ स्टेशन है, तो ये इंस्ट्रूमेंट स्टेशन स्टाफ, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट। तो सबसे पहले आप इंस्ट्रूमेंट को यहाँ सेट कीजिए, किसी परमानेंट बेंचमार्क के ऊपर आप क्या कीजिए,
स्टाफ रीडिंग पढ़िए और आप आर एल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता कर लीजिए। और जब आपका इंस्ट्रूमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से आप एंगल ऑफ थीटा एंगल डिप्रेशन में देखेंगे तो ये आपका 3 स्टाफ रीडिंग है। इसको हम कहते हैं स्टाफ इंटरसेप्ट। सेंट्रल क्रॉस हेयर से नीचे तक जिसको कहते हैं उसको हम कहते हैं आर। और ये आपका वर्टिकल इंटरसेप्ट होगा जो कि निगेटिव होगा, यानी कि जो कि आपका डिप्रेशन में होगा। अब सिंपल सी बात यह है कि आपने इस यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद आपने पहले बेंचमार्क के ऊपर एक रीडिंग पढ़ा, बैक साइड पढ़ा, और उस बैक साइड को पढ़ने के बाद आपने आर एल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लिया, यानी आपका हाइट लाइन ऑफ साइट क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। जैसे ही आपने आर एल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला, अब इस आर एल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इस थीटा की मदद से वी और डी निकाल लीजिए। वी जैसे ही निकाला तो आपने आर एल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से वी माइनस कीजिए, आप कहाँ पहुँच जाइएगा, सेंट्रल क्रॉस हेयर रीडिंग। और इस सेंट्रल क्रॉस हेयर रीडिंग से आर दोबारा माइनस कर दीजिए, आप कहाँ पहुँच जाइएगा, आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन पर पहुँच जाइएगा। क्लियर है यहाँ तक? एक बार फिर से देखिए और समझिए। आपको जो फॉर्मूला इससे पहले डिराइव कराया, वो फॉर्मूला का डिराइवेशन जो था वो इस बात के लिए था कि आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फार्मूला और वर्टिकल इंटरसेप्ट आपका इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट के लिए क्या होगा। क्योंकि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट के लिए सिर्फ आपको डी निकालना था, डी इजिकल टू के एस प्लस सी, और उसमें जो वर्टिकल इंटरसेप्ट था वो सिर्फ आपका रीडिंग था आर। लेकिन इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट के लिए जब आपकी ज़मीन जो है वो एलिवेटेड हो या डिप्रेस्ड हो, तो वहाँ पर आपका सेंट्रल क्रॉस हेयर की रीडिंग जो है वो आपको एक्चुअल वर्टिकल इंटरसेप्ट के बारे में नहीं बताती है। तो वर्टिकल इंटरसेप्ट के लिए आपको दो फार्मूला डराइव करना है, एक फार्मूला करना है डिस्टेंस फार्मूला जिसको हम कहते हैं के एस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सी कॉस थीटा, और दूसरा करना है वर्टिकल डिस्टेंस फार्मूला जिसको हम कहते हैं के एस साइन थीटा बाई टू प्लस सी साइन थीटा। इन दोनों का डेरिवेशन आपको भी कराया है। अब आप पहला केस समझिए, केस वन, जब आपका एलिवेटेड केस है। एलिवेटेड केस में आपने जैसे ही इंस्ट्रूमेंट सेट किया, इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद सबसे पहले आप एक बैक साइड लीजिए किसी परमानेंट बेंचमार्क के ऊपर, और उस परमानेंट बेंचमार्क के रेफरेंस में आप अपना आर एल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या कर लीजिए, सेट कर लीजिए। जैसे ही आपका आर एल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेट हुआ, आपने इस फॉर्मूला की मदद से वी निकाला है, वर्टिकल इंटरसेप्ट इसमें जोड़िए, आप कहाँ पहुँच गए, सेंट्रल क्रॉस हेयर पर। सेंट्रल क्रॉस हेयर में से आर, यानी कि जो सेंट्रल क्रॉस हेयर रीडिंग है उसको माइनस कर दीजिए, आप कहाँ पहुँच जाइएगा, क्यू पे, यानी कि आप आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन पर पहुँच जाइए। सेम वही केस आपका डिप्रेशन में। डिप्रेशन में आप क्या कीजिए कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद आप पीछे बेंचमार्क के ऊपर एक बैक साइट लीजिए, बैक साइट लेने के बाद आप आर एल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालिए, आर एल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से वी, इस फॉर्मूला की मदद से जो वी निकला उसको आप माइनस कीजिए, आप कहाँ पहुँच गए, सेंट्रल क्रॉस हेयर पे। सेंट्रल क्रॉस हेयर से आप स्टाफ रीडिंग माइनस कीजिए, आप कहाँ पहुँच जाइएगा, आर एल ऑफ स्टाफ स्टेशन पर। यह आपका इसमें आर एल ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस वी माइनस आर, इसमें माइनस वी माइनस आर। अब इन दोनों फार्मूलाज को अगर आपका, चूंकि आपको टैक्योमीटर के अंदर आपका दो कांस्टेंट होता है याद रखना है, एक कहलाता है मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, जिस मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू हम लोग हमेशा क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। वो कैसे करते हैं, जब हम बीटा की वैल्यू 0 degree 34 minute 22.64 second इंस्ट्रूमेंट के अंदर फिक्स कर दे तो हमारा मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 100। और सी इज इक्वल टू हम कहते हैं एडिटिव कांस्टेंट, और इस एडिटिव कांस्टेंट को हम लोग कितना वैल्यू सी करते हैं, 0। ये कब, अगर आप उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक एक्स्ट्रा एनालिटिक लेंस लगा दीजिए तो आपका जो एफ प्लस डी का वैल्यू हो जाता है ये आपका 0 हो जाता है, तो एडिटिव कांस्टेंट आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अगर आपका एडिटिव कांस्टेंट 0 है तो ये दोनों फार्मूला जो है रिड्यूस हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पहले टर्म के लिए। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको दो चीज़ याद रखना है, टैक्योमीटर में मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट 100, एडिटिव कांस्टेंट 0। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट के इज इक्वल टू होता है एफ बाई आई, वेयर एफ इज द फोकल लेंथ, आई इज द स्टेडी इंटरवल, सी इज इक्वल टू होता है एफ प्लस डी, वेयर एफ इज द फोकल लेंथ एंड डी इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड द इंस्ट्रूमेंट एक्सिस। क्लियर है यहाँ तक? अब यह आपको दो फार्मूला है और कुछ कॉन्सेप्ट हैं, इन्हीं कॉन्सेप्ट ऊपर आपको एक दो अभी न्यूमेरिकल कराया जाएगा, एक बार आप इसको ध्यान से देखिए।